डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी गुड। आज के इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ बहुत ही अहम तरीन बात आप लोगों के साथ। जिन स्टूडेंट ने लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करनी है, या वो स्टूडेंट जो प्रीवियस लॉ एडमिशन टेस्ट में एक बार या दो बार फेल हो चुके हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो तैयारी कहाँ से करें, हमको कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, कौन से ऐसे नोट्स मिले, कौन से ऐसे टीचर्स मिले कि जो हमारी तैयारी 100% करवा सकें, तो डियर स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ कि आपको कौन से नोट्स चाहिए, कौन सी बुक्स चाहिए और कौन से ऐसे तजर्बाकार टीचर चाहिए कि जो आपको आपकी तैयारी आसानी से करवा सकें। तो डियर स्टूडेंट आज के इस वीडियो को पूरा देखें, चाहे आपने लॉ एडमिशन टेस्ट में पहली बार अपीयर होना है, चाहे आप पहले भी लॉ एडमिशन टेस्ट दे चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट को चलते हैं अपने टॉपिक के जाने। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि HEC हर साल लॉ एडमिशन टेस्ट साल में 3 बार कंडक्ट करती है। HEC ने रिक्वायरमेंट बता दिया है कि अगर स्टूडेंट ने लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करना है तो हमारा ये सिलेबस है। आप बैकग्राउंड स्क्रीन पर देख सकते हैं कि HEC का सिलेबस क्या क्या है। उसमें से इंग्लिश का पोर्शन आता है, उर्दू का आता है, मैथमेटिक्स का आता है, पाक स्टडी का आता है, इस्लामियत और जनरल नॉलेज का आता है। इसके अलावा सब्जेक्टिव पोर्शन भी आता है, उसमें एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है और एक ऐसे लिखना होता है। अब इधर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि स्टूडेंट को समझ नहीं चलती कि हम तैयारी कहाँ से करें, बड़ी बड़ी गाइड्स खरीद लेते हैं और रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन गाइड्स में से 10 से 12 MCQs के अलावा कुछ भी नहीं आता, और कभी कभी एक MCQs भी नहीं आता, और स्टूडेंट वहाँ पर तुक्का लगा कर आ जाते हैं और आखिरकार होता यह है कि उनको नाकामी को सामना करना पड़ता है। अब इधर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि हम आप लोगों के लिए जूम ऐप के ऊपर एक बहुत ही मुनफरद और यूनिक प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। हम आपकी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से, अल्लाह की रहमत से आपकी तैयारी करवाएंगे। आपकी तैयारी कुछ इस तरह से होगी कि आपको हम नोट्स देंगे। नोट्स जो होंगे वो हमने तैयार किए हैं बिल्कुल यूनिक रिसर्च करके, इसमें फालतू चीज़ एक भी नहीं लिखी हुई। इसमें सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो कि लॉ एडमिशन टेस्ट में आती हैं और पहले भी बहुत बार आ चुकी हैं। दूसरी चीज़, आपकी जो फ़ी होगी वो बहुत रीज़नेबल फ़ी है। आपको बार बार तंग नहीं किया जाएगा कि आप दोबारा फ़ी पे करें, ये करें, वो करें, बल्कि आपसे फ़ी पूरे सेशन की हम एक बार सिर्फ लेंगे। आपने फ़ी किस तरह से पे करनी है, आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें और हम आपको आगे प्रोसीजर बता देंगे। फिर उसके बाद आपके रेगुलर लेक्चर्स होंगे, आपको मैं और मेरे स्टाफ के मेंबर्स जो होंगे वो आपको डेली रेगुलर लेक्चर्स देंगे, और आपकी डेली शाम को क्लास स्टार्ट हुआ करेगी। फिर आपको डेली लेक्चर्स में हम समझाया करेंगे कि आपने किस तरह से प्रेपरेशन करनी है। डियर स्टूडेंट, अब इधर ये नॉर्मल सी बातें होगी, अब इधर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है, ऐसा कौन सा मवाद है कि जिससे हम तैयारी करें, हमारी तैयारी ज़्यादा यकीनी हो जाए, हमारे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँ। तो मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूँ कि हमने जो नोट्स प्रिपेयर की हैं वो हमने इधर उधर से नहीं लिए, बल्कि हमारे नोट्स जो हैं वो बिल्कुल यूनिक और आसान है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हमने एन मुताबिक HEC की रिक्वायरमेंट के 7 क्लास से लेकर FSC तक जो बुक्स हैं, जिनमें से उर्दू भी आ जाती है, पाक स्टडी, इस्लामियात और मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इन 5 हमने पोर्शंस के जो 7 क्लास से FSC तक टेक्स्ट बुक्स होती हैं, हमने उनमें से मटेरियल लिए हैं। और इसके अलावा हम आपकी तैयारी इन्हीं बुक्स में से करवाएंगे, ताकि आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए, आपका साल ज़ाया ना हो और आपका चांस ज़ाया ना हो। बातें करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हम बातें नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आपको काम करके दिखाएंगे, आपकी तैयारी यकीनी बनाएंगे। अब इधर क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या सर सारे बच्चे पास होंगे? नाकामी और कामयाबी ये अल्लाह ताला के हाथ में होती है और इंसान के मुकद्दर में होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में वाज़ह तौर पर इरशाद फरमाता है, बेशक तुमको वही मिलेगा जिसकी तुम कोशिश करोगे, और अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करेगा। तो आए आज ही हमारी अकेडमी को ज्वाइन करें, ऑनलाइन लेक्चर्स का हिस्सा बने और घर बैठकर तैयारी करें और अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए खुद को तैयार रखें। तो डियर स्टूडेंट, नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें और आगे व्हाट्सएप पर हम आपको सारा प्रोसीजर बता देंगे कि आपने किस तरह से ज्वाइनिंग करनी है और किस तरह से अपनी फ़ी पे करनी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।